अक्टूबर नवंबर 2017 वेरिएंस 12। पेपर आपको पता है 1 आवर का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल अटैच हुआ हुआ मिलेगा पेज के ऊपर, तो आप जो भी डेटा चाहिए आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, जो भी चाहिए एटॉमिक नंबर, वो पीरियोडिक टेबल से मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से रिलेटेड है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड इन 3 स्टेप्स। स्टेप 1, टू एड वाटर टू द मिक्सचर। तो जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा। द डायग्राम शोज स्टेप 2 एंड स्टेप 3। वेयर इज प्योर सोडियम क्लोराइड कलेक्टेड। ठीक है जी, वेयर इज प्योर सोडियम क्लोराइड कलेक्टेड। आप जानते हैं, जरा देखिए मैं आपको समझा देता हूं। Oops. सबसे पहले मिक्सचर बनेगा बेटा, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन होगी। अगर आपको नोट्स याद हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद इवेपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन का होगा। ठीक है, तो देखें क्रिस्टल्स बनेंगे कहां पर। क्रिस्टल्स ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन के उसमें बनेंगे, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन आपका बनेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ 3rd स्टेप में, दैट इज डी में। इवेपोरेशन करेंगे अंडर हीट, तो क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड के प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको। तो दैट्स अ वेरी इजी आंसर। ठीक है, यहां पर ए में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। बी में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। सी में क्या है, फिल्ट्रेट कलेक्ट हो गया है। तो इन दोनों केसेस में फिल्ट्रेशन हो रही है, सी में क्या हो गया, फिल्ट्रेट कलेक्ट हो गया है। डी में क्या होगा, उस फिल्ट्रेट की इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन होगी, तो प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द टू टेस्ट ऑन सॉल्यूशन एक्स आर शोन। अलर्ट रहना, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एड कर रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए इन एक्सेस एक्वस NaOH। क्लियर, तो एक्वस NaOH में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए और एक्सेस एक्वस NaOH के अंदर वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है जी, उसके बाद एक्वस अमोनिया ऐड किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, प्रेसिपिटेट रिमेन्स। जिंक इज इनकरेक्ट, क्योंकि जिंक एक्सेस अमाउंट के अंदर NaOH में भी डिसॉल्व हो जाता है, एक्वस अमोनिया में भी डिसॉल्व हो जाता है। कॉपर इज इनकरेक्ट, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके ब्लू प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कह रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि कॉपर आइंस जो है वो एक्वस अमोनिया के साथ प्रेसिपिटेट्स नहीं देता, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एल्यूमिनम्स जो है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके नोट्स में लिखा है तो मैं नोट्स ही को लिख के दे रहा हूं एक्चुअली। सो एल्यूमिनम आयन गिव प्रेसिपिटेट्स विद बोथ NaOH एंड एक्वस अमोनिया, राइट। आप यहां लिख सकते हैं इन एक्सेस एक्वस अमोनिया प्रेसिपिटेट्स रिमेन इनसॉल्युबल। अब आपको बेटा सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। Which diagram shows the arrangement of particle inside a balloon containing a mixture of the gaseous nitrogen and hydrogen? बेटा आप जानते हैं ये gaseous nitrogen है, आप जानते हैं ये gaseous hydrogen है। Gaseous nitrogen का formula होगा N2, gaseous oxygen का formula होगा बेटा O2। तो इसका मतलब nitrogen gas और oxygen gas दोनों diatomic molecule होंगे। ठीक है,
और डायटॉमिक मॉलिक्यूल की वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे का मिक्सचर होंगे। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, बोथ आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स किस किस में है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, है ना? ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, गलत हो गया। ये रिएक्ट हो गया है, गलत हो गया, सही है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट हो गया है, गलत हो गया। ये डायटॉमिक नहीं है इसलिए ये भी गलत। अब डायटॉमिक ये भी है, डायटॉमिक ये भी है, लेकिन ये सेपरेट है इसलिए ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आई बिलीव सी होगा। मजीद इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बोथ आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप बता दीजिए, मिक्स टुगेदर, व्हाई मिक्स टुगेदर? ड्यू टू रैंडम मोशन। ठीक है, मिक्स टुगेदर ड्यू टू रैंडम मोशन। ऑल राइट, तो मिक्स हो जाएगा इसलिए ये आंसर होगा। गैसेस का मिक्सचर है, इसमें रिएक्शन हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, विच इज नॉट पॉसिबल। डायटॉमिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ये भी गलत। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब मॉलिक्यूल गैशियस स्टेट के अंदर होता है तो वो मिक्स हो जाते हैं डिफ्यूजन की वजह से। मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू रैंडम मोशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट फॉलो The rate of reaction between marble chips, calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. ये equation आ गई। Which diagram show apparatus that is suitable for the experiment? भाई, marble chips और hydrochloric acid यकीनन reaction flask में होंगे, conical flask में होंगे। तो hydrochloric acid और marble chips conical flask के अंदर हैं। That's right। ठीक है। और जो carbon dioxide gas रिलीज होगी वो मेजिंग सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो मेजिंग सिलेंडर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। ऑल राइट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मार्बल चिप्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो लॉस इन मास ऑफ कॉन्टेंट होगा, और उस लॉस इन मास ऑफ कंटेंट के थ्रू आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करोगे। दैट्स व्हाट वी डिड इन द क्लास। ये डायग्राम भी आपके पास अवेलेबल है नोट्स में। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मार्बल चिप्स, ये टाइट्रेशन होती नहीं है इन दोनों के दरमियान। सही है, ये भी ठीक है कि मार्बल चिप्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, एज अ रिजल्ट गैस कलेक्ट होगी और वो गैस जो है गैस सिरिंज के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये इस वजह से भी गलत है थर्ड, क्योंकि इसमें ये ओपन वेसल है, तो जैसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो यहां से रिलीज हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमिन नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, कैन नॉट कलेक्ट द गैस, सो कैन नॉट डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, सो पहला सही है, दूसरा सही है, फोर्थ सही है, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपके पास है, अ केमिस्ट विशेस टू सेपरेट आइडेंटिफाई अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, द डायग्राम शोज द एपरेटस यूज्ड, द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, ये कुछ स्पॉट्स आ गए हैं आपके पास, आगे चलें। द सॉल्वेंट फ्रंट इज अलाउड टू रीच द टॉप ऑफ द पेपर बिफोर द केमिस्ट रिमूव्स द पेपर फ्रॉम द सॉल्वेंट, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज? दिस कॉज द स्पॉट नियरेस्ट टू द बॉटम ऑफ द पेपर टू कैच अप विद द स्पॉट अबव इट। गलत है ये, दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट आरएफ वैल्यू। दैट्स द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट वेपर, आपको मैंने बताया था पढ़ाते हुए कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है मैं उसके थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
सॉल्वेंट मेजर करूंगा एंड फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड द आरएफ वैल्यू. तो अगर मैं सॉल्वेंट फ्रंट को डिटरमिन कर ही नहीं सकता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं किसी भी सॉल्यूट के लिए आरएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर एंड दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली. ठीक है, ये क्लास में शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ. In order to get the RF value, we need to determine the distance traveled by solvent. तो अगर distance traveled by solvent measured नहीं हुआ solvent front की वजह से, तो जाहिर सी बात है RF की value भी नहीं मिलेगी. आगे चलें. Which particle contain the same number of both neutrons and electrons? अब यार आपको इसमें working करनी है, इसमें neutrons और electrons determine करने. तो बेटा इसमें 18 electrons हैं, 20 neutrons हैं इसमें. Magnesium में 10 electrons हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं. तो वो कह रहा है सेम नंबर ऑफ बोथ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स योर राइट आंसर, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम आ गए. सो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल मेटल्स? ऑल मेटल्स करेक्ट फॉर ऑल मेटल्स है ना, तो करेक्ट फॉर ऑल मेटल्स में दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, नहीं सारे के सारे हार्ड नहीं होते. सोडियम तो सॉफ्ट होता है, नाइफ से कट हो जाता है, इसलिए गलत हो गया. दे आर मेड अप ऑफ लेटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. रॉन्ग. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो लेटर्स है वो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, मेटल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ये भी गलत. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट. सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. आगे चलते हैं. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, नहीं भाई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आयंस की वजह से कंडक्ट नहीं होती, इसलिए डी भी गलत हो गया. ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8. एक्स रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 8 एंड वाई रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ 19. द टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हिच रो इज करेक्ट फॉर द कंपाउंड फॉर्म. अब देखो एटॉमिक नंबर 8 कह रहा है वो, तो आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और एटॉमिक नंबर 8 और 19 दोनों को डिटरमिन करेंगे. एटॉमिक नंबर 8 जो है वो एक्स का है और y का एटॉमिक नंबर है 19. तो मैं पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूं 8 और 19 के लिए. ठीक है, अलर्ट रहना मेरे साथ. 8 और 19, एटॉमिक नंबर 8 एंड 19. ये रहा बेटा एटॉमिक नंबर 8 एंड दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट. 19 कह रहा है, तो 19 बेटा ये रहा, 19 ये रहा, एंड दिस इज पोटेशियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1. अब देखो अगर ये ग्रुप 1 का है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस 1, और अगर ये ग्रुप 6 का है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस 2, इजंट इट. ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में गिवन है, तो मैं अब यूज कर रहा हूं इस इंफॉर्मेशन को. ठीक है, चलें देखिएगा जरा. एक्स जो है उसके ऊपर चार्ज है 2 माइनस, ग्रुप 6 का एलिमेंट है वो, सही है. वाई जो है उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस 1, क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, राइट. तो अगर एक्स के ऊपर, एक मिनट, अगर वाई के ऊपर प्लस 1 चार्ज है और एक्स के ऊपर माइनस 2 चार्ज है और मैं इन चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, y 2x बनेगा. ठीक है, y 2x बनेगा. तो पहली बात तो ये कि y 2x कहाँ लिखा हुआ है, y 2x बेटा लिखा हुआ है a में, y 2x लिखा हुआ है बेटा b में, तो कंपटीशन a और b के दरमियान है. ठीक है, अच्छा एक और बात जहन में रखिएगा कि भाई ये जो x है ये नॉन मेटल है और जो y है वो मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड, and therefore B is the right answer. ठीक है, and therefore B is the right answer. आगे चलें. Question number 19. The empirical formula of a liquid compound is C2H4O. ये empirical formula है. To find the empirical formula, it is necessary to know the percentage composition by mass of the compound. The right answer is B. देखिए empirical formula determine करने के लिए हमें percentages given होती हैं, उन percentages के through हम empirical formula निकालते हैं. ठीक है, तो B is the right answer. It's a fact actually. ये numericals जब आप करते हैं तो उस numerical में भी आता है. Question number 10, calculation है ठीक ठाक.
अलर्ट रहिएगा. 25 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड टू प्रोड्यूस एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट एंड वाटर वेपर. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई बेटा. व्हाट इज द मास ऑफ एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फॉर्म? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट ले लेते हैं. इसका टोटल मास है 250 ग्राम, सही है, और सिर्फ कॉपर सल्फेट का है 160. वो कह रहा है अगर ये 25 ग्राम है तो बताओ भाई ये कितना होगा. तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 160 से और डिवाइड कर दो 250 से, तो बताइए मास कितना आ जाएगा आपके पास. इट्स कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप. अगर आपको याद हो तो 25 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 250, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम आंसर है. तो 16 ग्राम आंसर है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर. इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता बेटा ये. ठीक है, आपको पता है ना मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे का एम आर निकाला वो था 250, इसका एम आर निकाला वो था 160, और ये सारे एम आर की कैलकुलेशन मैंने अपने लेक्चर में दी हुई है, आपको चेक कर लीजिएगा, नोट्स में मिलेगी. वो कह रहा है अगर ये 25 ग्राम है तो बताओ ये कितना होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली मैंने, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रिस क्रॉस भी कहते हैं इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच सैंपल कंटेन द मोस्ट एटम्स. अब यार ये मसला है, ठीक है, ये मसला है, मोल्स गिवन है, एटम्स निकालने, इसका मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे. इसका मतलब क्या करना होगा, एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा. अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि वाटर के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, सही है, ये याद रखिएगा. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें टोटल कितने एटम्स होंगे, 3, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपके पास मीथेन, फिर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड. इट्स काइंड ऑफ अ लेंथी कैलकुलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने एटम्स होंगे, 3. मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन मिला के 5 एटम्स हो जाएंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, इसमें टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, 2. तो मोल्स दिए हुए हैं, एटम्स भी दिए हुए हैं, सही है. तो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कशन करने लगा हूं, ठीक है, अलर्ट रहना, ऐसा ना हो परेशान हो आप. सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए देखिएगा, वाटर है मेरे पास, इसमें 3 एटम्स हैं टोटल, ये 1 मोल है, ये 3 है, अगर ये 0.5 है तो बताइए ये कितना होगा, भाई ये हो जाएगा 1.5, सही है, और 1.5 को फिर आप 6.02 टाइम्स 10^23 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, और वो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 9.08 टाइम्स 10^23 एटम्स. ठीक, ये मेरा ए हो गया. बी, कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल एटम्स कितने हैं, 3, है ना, तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 3 मोल्स ऑफ एटम्स हैं. अगर ये 1 मोल है एग्जामिनर ने लिया हुआ है तो भाई ये सेम हो जाएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो बेटा कितना आंसर आएगा यहाँ पर आपके पास, 1.8 एक्सपोनेंट 6.02 एक्सपोनेंट 23 टाइम्स 3, ये हो जाएगा 24. ठीक है, उसके बाद है सी देख लेते हैं. मीथेन में बेटा आपके पास टोटल कितने एटम्स हैं भाई, 5 एटम्स हैं, 1:5 का रेशो है, तो अगर मीथेन 1 मोल है तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 टाइम्स 10^23 से, तो भाई ये कितने एटम्स आ जाएंगे आपके पास, 3.0 टाइम्स 10^24. ठीक है, ऑप्शन डी ये करना पड़ेगा बेटा मुझे सारा का सारा. HCl में आपके पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है, 1:2 का रेशो है, तो अगर 2 मोल्स लिए एग्जामिनर ने तो बताओ ये कितना होगा,
फोर मोल्स हो जाएगा, फोर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6.02 × 10^23 से, तो ये हो जाएगा 4 × 6.02 × 10^23, तो ये हो जाएगा बेटा 2.4 × 10^24 एटम्स। बात समझ में आ रही है, ये आपके आंसर होगा बेटा। तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में है, सी में है, विच इज वाई सी इज द राइट आंसर। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने इतना लेंथी सिर्फ समझाने के लिए किया है, अगर मैं एमसीक्यूज में होता तो मैं डायरेक्ट काम करता, मैं ये सब समझाता थोड़ी, मुझे तो आंसर देना है एग्जामिनर, एग्जामिनर को केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ानी है मैंने, तो मैंने तो बेटा स्ट्रेट अवे आंसर देना है, ठीक है। ये सारा काम मैं कैलकुलेटर पे करता, सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है ये। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। यार पहली तो बात ये कि जो क्लोरीन गैस है ना, उसका फॉर्मूला होता है Cl2, और Cl2 का MR होता है 71, तो राइट आंसर क्या होगा, अब जरा देखिएगा। अगर 1 मोल ऑफ Cl2 मैं ले रहा हूं तो वो होगा 71 ग्राम के, ठीक है। वो कह रहा है 2 मोल ले रहे हो आप क्लोरीन के, तो बताओ कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 142, तो 142 इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर बेटा, सही है। आई होप यू गेट द लॉजिक, मैंने काफी डिटेल से करके दिया ताकि रिवीजन के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली 3 मोल्स ऑफ वाटर, व्हिच कंपाउंड इज क्यू। 3 मोल्स ऑफ वाटर, देखो इधर देखना जरा, 3 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब ये है कि तुम्हारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए कंपाउंड क्यू में। अब टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स कहां पर है, सिर्फ एक होगा, बी, बी इज द राइट आंसर, सही है। ये देखो ये 5 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो बी इज द राइट आंसर। मैं यहां लिख देता हूं कि मैंने किस सोच को यूज किया है, 3 मोल्स ऑफ वाटर मींस कंपाउंड क्यू कंटेन 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अलर्ट रहना बहुत। इन एन एक्सपेरिमेंट 1 मोल ऑफ पाउडर्ड कॉपर एंड 1 मोल ऑफ पाउडर्ड जिंक आर प्लेस्ड इन द फ्लास्क, नंबर ऑफ मोल्स और पाउडर फॉर्म दोनों की सेम है, डाइल्यूट एसिड कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एसिड इज एडेड टू द फ्लास्क, तो एसिड का वॉल्यूम और मोल्स भी सेम है, ठीक है। द फ्लास्क इज लेफ्ट अंटिल ऑल द रिएक्शन इफ एनी आर कंप्लीट, विच डायग्राम शोज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जनाब, आप जानते हैं कि कॉपर और एसिड का रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो कॉपर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अनरिएक्टेड रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए जिंक एसिड से रिएक्शन करके कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा आपके पास, 1 मोल ऑफ एस कॉपर विल रिमेन, तो 1 मोल ऑफ कॉपर विल रिमेन ए में है, बस ए में ही है, तो ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन कि रिएक्टिविटी of copper is less than hydrogen so it will not
react with HCl. Hence, its one mole will remain unreacted. So one mole will remain unreacted. ये आ गया. और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जिंक विल रिएक्ट विथ एसिड एज इट इज मोर रिएक्टिव एंड गिव कलरलेस न्यूट्रल सॉल्यूशन. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे. ठीक है, आगे चलें बेटा. आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं आपके पास अ सिंपल सेल कैन बी मेड यूजिंग टू डिफरेंट मेटल्स एज द इलेक्ट्रोड एंड एन एक्वस सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट. यार ये बहुत अहम पार्ट है. टू डिफरेंट मेटल्स जो है वो एज एन इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं और एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है. विच स्टेटमेंट अबाउट सिंपल सेल्स आर करेक्ट. और सिंपल सेल्स मैंने करवाए. अ ग्रेटर वोल्टेज इज प्रोड्यूस यूजिंग मैग्नीशियम एंड सिल्वर देन मैग्नीशियम एंड कॉपर. बिल्कुल सही बात है. मैंने कहा था आपको कि द हायर द रिएक्टिविटी डिफरेंस द हायर द वोल्टेज. ये स्टेटमेंट आपको नोट्स में मिलेगा. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि मैग्नीशियम और सिल्वर के दरमियान ज्यादा डिफरेंस है रिएक्टिविटी का एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड कॉपर. इसलिए ज्यादा वोल्टेज मैग्नीशियम सिल्वर का मिलेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकेंड द इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दैट्स ट्रू, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मौजूद होते हैं. तो ये भी सही है. द मोर रिएक्टिव मेटल विल रिलीज इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही बात है. ये भी बताया कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज सबसे पहले करता है. ठीक है, तो इस केस में मैग्नीशियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है एंड देयरफॉर ए इज द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए. मैग्नीशियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड. मोल्टन का मतलब वाटर अवेलेबल नहीं है. What are the equations for the reaction that occur at positive electrode? Positive electrode का मतलब बेटा NO. ठीक है. And negative electrode. Negative electrode का मतलब बेटा cathode. सही. अब आप जानते हैं कि anode के ऊपर chlorine जो है क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस और टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो देखें एनोड के लिए ये होगा 2Cl नेगेटिव एरो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड के लिए होगा मैग्नीशियम आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो मैग्नीशियम. तो अब आप ये देख लीजिए कि दोनों इक्वेशंस कहाँ हैं. ये इक्वेशंस मुझे सी में नजर आ रहे हैं एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद three different solutions were electrolyzed using inert electrodes. Solution 1 jo hai wo aqueous sodium chloride ka hai, solution 2 jo hai wo concentrated HCl ka hai, solution 3 jo hai wo dilute hydrochloric acid ka hai. Which solution produces hydrogen at the negative electrode? Yaar negative electrode is cathode aur cathode pe hydrogen gas chahiye. To bhai bahut seedhi si baat hai. Is case mein hydrogen gas is given off at cathode. यार तीनों में होगा, तीनों में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी. They will release hydrogen gas at cathode. So all of them are right. A is the right answer. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18. कंपाउंड वाई रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. दिस रिएक्शन हैज अ पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट वाई एंड इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, कंपाउंड वाई कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. नहीं भाई, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. फ्यूल हमेशा वो रिएक्शंस करते हैं जिनकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनके होते हैं
वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए ए गलत हो गया। कंपाउंड वाई कुड बी अ हाइड्रोकार्बन, जरूरी नहीं है, वी डोंट नो कि वो हाइड्रोकार्बन है या क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो ये भी गलत हो गया। सी इन द रिएक्शन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर मेड, दैट्स राइट बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही होता है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, this shows reaction is endothermic, और जब reaction endothermic होता है तो energy needed to break the bond is always greater than the energy released in making the bonds, right? ये statement is given in the notes, अच्छी तरह से prepare कर लीजिए बेटा lectures को। 19, the formation of liquid water from hydrogen and oxygen may occur in the three stages. Okay. ठीक है, which stages are endothermic? Endothermic किसे कहते हैं? Bond breaking process, है ना? Bond breaking is endothermic. तो अब बॉन्ड ब्रेकिंग देखिए, यहां पर मॉलिक्यूल हैं और वो टूटकर एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। यहां पर एटम्स मिलकर क्या बना लें? मॉलिक्यूल, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक, ये रॉन्ग हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? गैस से लिक्विड बन रहा है, यहाँ तो स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ तो बॉन्ड ना टूट रहे हैं ना बन रहे हैं, स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। राइट आंसर इज वन, तो वन इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, बॉन्ड सिर्फ पहले वाले में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 20, याद रखिएगा कि इस थर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है और ये डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। व्हाट कंडीशंस वुड प्रोड्यूस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम, अगर मुझे SO3 का अमाउंट बढ़ाना है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो या तो मैं टेम्परेचर को कम करूंगा या मैं प्रेशर को ज्यादा करूंगा, इन बोथ द केसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, ये तो अगर आपको नोट्स याद है तो आपको क्लिक हो जाएगी बात, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। ठीक है, 21, यार ये बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन और ये एक मिनट में कंप्लीट भी नहीं होगा आपसे, तो इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन आए जिसमें वर्किंग बहुत ज्यादा हो उनको सबसे एंड में अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि बाकी पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करें। टू एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वर रिएक्टेड विद 100 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब H2SO4, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज रिएक्टेड विद 50 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर dm क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। सो बेटा मुझे यहां से 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेता हूं, तो 24 को डिवाइड करूंगा मैं AR ऑफ मैग्नीशियम से, विच इज 24, तो ये आ जाएंगे 1 मोल, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में मैग्नीशियम के सेम नंबर ऑफ मोल, सही है, याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 हैव सेम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, सही है बेटा, ये बात जज हो गई। अब आगे चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मोल्स कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से और डिवाइड कर दीजिए 1000 से, सो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मोल। एक्सपेरिमेंट 1 में H2SO4 0.1 मोल है और एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर H2SO4
के मोल्स कितने होंगे बेटा, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 50 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा बेटा 0.1 मोल्स। तो अब आपने नोट किया H2SO4 के भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है और मैग्नीशियम की भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो मैं यहां लिख देता हूं बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। इसमें लगेगा टाइम। सो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल गया कि मैग्नीशियम और H2SO4 दोनों के नंबर ऑफ मोल्स दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है। आगे चलें। In experiment, the volume of hydrogen was measured at various times. The results were plotted on the graph. Which graph is correct? Which graph is correct? Experiment 1 को उसने इससे represent किया और experiment 2 को उसने dotted lines से represent किया। ठीक है? तो बहुत आसान सी चीज है। दोनों के क्योंकि number of moles same है, इसलिए same volume of gas would be obtained। ये मेरा पहला point होगा। Same volume of gas is obtained because of same number of moles. तो मैग्नीशियम की भी मोल सेम है, H2SO4 की भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है, बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ मोल्स सेम वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कलेक्ट होगा। देयरफॉर सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो कॉम्पिटिशन ए और बी में सही है। अब अगला पॉइंट सुनिएगा। आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो इसका ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा, इसका कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर होगा, राइट? तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेरिमेंट 2 हैज हायर कंसंट्रेशन so it has higher rate of reaction, thus it has higher gradient. अब आपने चेक करना है ए और बी में एक्सपेरिमेंट टू जो है उसका ग्रेडियंट कहां ज्यादा है, ए में ज्यादा है, तो ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, सही है, समझ आई बात कि एनालिसिस कैसे की मैंने। पहले तो ये चेक कर लिया कि कोई एक्सेस अमाउंट के अंदर है, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नहीं जी सब कुछ सेम है, तो पता चल गया भाई सेम वॉल्यूम मिलेगा मुझे। फिर दूसरा ये कि यार कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, तो जिसका रेट कंसंट्रेशन ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा उसका कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर होगा, तो ये कर्व ज्यादा स्टीपर आ गया आपके पास। सही है, ये आ गया आपके पास। ठीक है बच्चे, बता देता हूं आपको कि ये कर्व ज्यादा स्टीपर है, ठीक है भाई, ये आ गया 22। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ एल्यूमिनियम एंड आयरन, बोथ फॉर्म 2+ आयंस। भाई एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, बोथ हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये सही हो सकता है कि दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम का होता है, आयरन का नहीं होता एम्फोटेरिक। सही है, तो ये भी गलत हो गया, एल्यूमिनियम होता है, आयरन नहीं होता। द मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ मेटल्स इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस, बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम आयन की रिडक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम बनेगा, आयरन आयन की रिडक्शन करोगे तो आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है एंड सी इज द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं दे आर बोथ नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, गलत, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, आयरन एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमेटाइट ओर के थ्रू बनता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आयरन इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं बनेगा। ठीक है, और इससे रेलेवेंट एग्जांपल ये दे देता हूं बेटा मैं कि एल्यूमिनियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम में, और Fe2+ आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आयरन।
सही है बेटे? क्वेश्चन नंबर 23, अ हाउस होल्ड क्लीनिंग कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम बाथरूम सर्फेसेस. द कंपाउंड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोलबल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस क्लीनिंग कंपाउंड? मेरी बात गौर से सुनो. व्हेनेवर एनी मेटल कार्बोनेट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन कर रहा होगा, और एसिड की जो पीएच है वो हमेशा 7 से कम होती है. तो 7 से कम किसकी पीएच है, कहां पर है? ए में है. ए इज द राइट आंसर. तो आप सिंपल ये लिख लीजिए, ऑल एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. Acids have a lower pH of 7.0. ठीक है. 24. Dilute hydrochloric acid is added separately to samples of copper, copper to oxide, and copper to carbonate. Which row correctly shows whether copper to chloride is produced? आप जानते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो कॉपर के केस में तो वो रिएक्शन करेगा नहीं. तो आप कॉपर कहां रिएक्शन नहीं कर रहा? कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा बी में, कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा डी में. सही है. तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी, क्योंकि कॉपर टू ऑक्साइड से भी HCl रिएक्शन करेगा, कॉपर टू क्लोराइड से भी रिएक्शन करेगा. देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको. कॉपर ऑक्साइड HCl दोनों मिलकर बनाएंगे कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर. कॉपर कार्बोनेट को जब आप HCl से रिएक्शन कराएंगे, कॉपर क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. आप देखिए इन दोनों कंपाउंड में कॉपर क्लोराइड बन रहा है. D is the right answer. 25. Which ions are present when hydrochloric acid has exactly neutralized aqueous sodium hydroxide? तो अगर HCl और ये दोनों आपस में neutralize कर रहे हैं तो फिर क्या होगा भाई? A is the right answer. सही है ना? क्यों सर क्यों? अबे भाई ये देखिए NaOH और HCl कि जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, है ना? जब NaCl और वाटर बनेगा तो NaCl आयोनाइजेस इन वाटर गिविंग सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. जो वाटर है वो भी आयोनाइज होगा इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस. तो ये चारों के चारों आइंस कहां लिखे में? ऑप्शन ए में लिखे में. तो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. विच एक्सपेरिमेंट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट उस वक्त बनेंगे जब इनसॉल्युबल्स, जब दो दो कंपाउंड सॉल्युबल आपस में रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए, क्योंकि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. तो एक्वस बेरियम नाइट्रेट एडेड टू एक्वस सोडियम क्लोराइड. बेटा जब बेरियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बेरियम क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और ये दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं. बोथ आर सॉल्युबल. ठीक है. अगर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है. यही आंसर हो गया मेरे पास. इसी के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. तो बी इज द राइट आंसर. सही है सर. व्हाई नॉट सी
कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, राइट? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू एक्वस अमोनिया, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, ये भी लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, ठीक है, और यहां होगा नो रिएक्शन, सही है? तो बी इज द राइट आंसर बेटे. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट बोथ द ग्रुप वन एंड ग्रुप सेवन एलिमेंट इज करेक्ट? अच्छा जी, जरा गौर से सुनिएगा भाई. ग्रुप वन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, दैट्स राइट. ग्रुप सेवन के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप सेवन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हेन बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स, नहीं भाई, जब ग्रुप वन जो है नॉन मेटल से बॉन्ड करेगा तो वो आयनिक बनाएगा, तो ये भी गलत. दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ग्रुप वन डायटोमिक नहीं होते, मेटल्स कभी भी डायटोमिक नहीं होते, तो सी भी गलत. ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? डी हो जाएगा. वाई डी जरा पढ़ लीजिए. व्हेन ग्रुप वन एलिमेंट्स कंबाइन विद ग्रुप सेवन एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स, दैट्स राइट, क्योंकि ग्रुप वन जो है वो मेटल होते हैं, ग्रुप सेवन जो है वो नॉन मेटल होते हैं, और मेटल नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड. हम बता देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. ये कहना ये चाह रहा है कि भाई ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? आयनिक कंपाउंड. दैट्स द राइट आंसर, ठीक है. 28. The element helium, argon and neon are noble gases. Which statement is correct? All these elements have 8 electrons in their outer shell. गलत, क्योंकि helium के valence shell में 2 electrons होते हैं, 8 नहीं होते. Argon is used to react with impurities in the manufacture of steel. गलत, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी. आर्गन जो है वो लाइट बल्ब के लिए इस्तेमाल होता है. हीलियम इज यूज्ड इन बलून्स एज इट इज मोर डेंस देन एयर. ओ भाई, हीलियम इज लेस डेंस देन एयर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा. क्यों? क्योंकि नियॉन इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू गिव इनर्ट एटमॉस्फेयर, दैट्स राइट. 29. व्हिच रो शोस द करेक्ट कैटलिस्ट फॉर ईच इंडस्ट्रियल प्रोसेस? ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज करते हैं, तो इसका मतलब कंपटीशन सी और डी के दरमियान है, क्योंकि इसी में वेनेडियम 5 ऑक्साइड लिखा हुआ है. अमोनिया के लिए आयरन इस्तेमाल करते हैं, मार्जरीन के लिए जो है वो निकल इस्तेमाल करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर. सही है भाई, आसान था ये. क्वेश्चन नंबर 30. इन द सॉलिड स्टेट जर्मेनियम हैज द सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड, व्हाट इज द लाइकली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जर्मेनियम? जाहिर सी बात है, जर्मेनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायमंड से कम होगा, और जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो अल्फा इज द राइट आंसर. 800 से तो ज्यादा ही होगा ना बेटा, डायमंड टाइप स्ट्रक्चर है तो डायमंड का तो थाउजेंड्स में होता है, तो 800 से तो ज्यादा ही होगा. यहां लिख देता हूं, डायमंड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबव 1500 डिग्री सेल्सियस, दस जर्मेनियम मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस. 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तकरीबन 2800 होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड. मैंने लिखवाया आपको नोट्स में, चेक कीजिएगा. तो इसका मतलब 1500 से अगर डायमंड का ज्यादा है तो भाई इसका 800 से ज्यादा होगा. एल्युमिनियम इज अ मेटल दैट इज ऑफन यूज्ड टू मेक कैप्स फॉर बॉटल्स व्हेन थ्रोन अवे एंड बरिड इन द सॉइल द कैप्स डू नॉट ग्रो. व्हाई इज दिस? इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर होती है, इसलिए वो रिएक्शन करता ही नहीं है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर. लिख दीजिए, दिस इज बिकॉज of the thick oxide layer on aluminum. Thus, it won't react. सही है भाई, ये इसका factual point है जो कि आपको ध्यान में रखना है. अब
आगे चलें 32, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप वन मेटल इज करेक्ट. ग्रुप वन के जो मेटल है उनका कौन सा स्टेटमेंट, दे आर हार्ड. नहीं भाई हार्ड नहीं होते, ये तो नाइफ से कट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो गया आपका. ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. भाई ग्रुप वन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए कलर्ड कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे. बी भी गलत हो गया. दे हैव हाई डेंसिटीज. नहीं भाई ये तो वाटर पे फ्लोट करते हैं, इसलिए सी भी गलत हो गया. जब ए बी सी तीनों गलत हो गए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी. और जाहिर सी बात है ग्रुप वन के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनसे ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर. 33, CFCs compounds were used as aerosol propellant. The structure of one CFC compound is shown. Ye aa gaya one CFC compound. Which element in this compound causes a depletion of ozone in this atmosphere? Aapko yaad hai? Ozone depletion kiski wajah se hoti hai? CFCs ki wajah se hoti hai. Aur CFCs mein bhi kyun hoti hai? Kyunki chlorine jo hai wo ozone ko deplete karta hai. Chlorine is used to deplete ozone layer. ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ड्राई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ विच 99% इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिमेनिंग, आर्गन. ए इज द राइट आंसर. फैक्ट्स हैं बेटा, ये सब नोट्स में गिवन है. These are the facts. Why is chlorine added to the supply water supply? ताकि bacteria और germs वगैरह जो है उनको kill किया जा सके. तो B is the right answer. सही है ना, ये chlorine का use है, chlorination क्यों use करते हैं, ये भी fact है बेटा. 36, when the alcohol of molecular formula C4H10O is oxidized. What is the molecular formula of the acid form? यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, शॉर्टकट बता सकता हूं मैं. चलिए देखिए, वो सिंपल सा है. एल्कोहल है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, पहली चीज. दूसरी चीज, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. तो आप देखिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन भी ज्यादा हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल. सही है, इसमें हाइड्रोजन कमी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. तो कंपटीशन जो है वो सी और डी के अंदर है. सही है, यहां पर चार हाइड्रोजन कम कर दिए और दो ऑक्सीजन बढ़ाए, यहां पर दो हाइड्रोजन कम करें और एक ऑक्सीजन बढ़ाए. सो दैट्स राइट आई बिलीव. ये देखिए, चार कार्बन एटम का अल्कोहल ये होगा, अलर्ट रहना बेटा. CH3CH2CH2CH2OH और चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, CH3CH2CH2COOH. राइट, तो अब जरा देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4, कितने हाइड्रोजन है, 8, कितने ऑक्सीजन है, 2, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनी है, तो सी इज द राइट आंसर. 37, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 5 हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 कार्बन एटम्स नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी है, 1, 2, 3, 4 ये नहीं है. तो बेटा 1, 2, 4 इन तीनों के अंदर, 1, 2, 4 ये तीनों में 5 कार्बन एटम है, यानी इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 है ये. ये क्या है, C5H12. ये भी क्या है, C5H12. ये भी क्या है,
C5H12, राइट। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। वो कह रहा है व्हिच थ्री हाइड्रोकार्बन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, ए इज द राइट आंसर। अब देख लो आप, ये करवाया मैंने आपको क्लास में, मेरे नोट्स उठाओ, आइसोमेरिज्म में आपको ये एग्जाम्पल नजर आएंगी बकायदा। इसलिए कहा था कि अलग अलग पढ़ो हर चीज आइसोमेरिज्म की, ताकि तुम्हें क्वेश्चंस के ऊपर कमांड हो, एमसीक्यूज पे कमांड हो। थ्योरी तो बहुत आसान होती है, सारे बच्चे कर लेते हैं थ्योरी, एमसीक्यूज मुश्किल होता है। तो अगर आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है तो देखें आपको कितनी आसानी हो जाएगी कि यार ये हमने पढ़ा हुआ है, यही तीनों आंसर है, इसमें तो चार कार्बन एटम्स हो गई है, इसलिए ये दोनों गलत है। 38, व्हिच अल्कोहल एंड एसिड विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक एन एस्टर। अबे यार पहले भी बताया कई मर्तबा, ये एसिड का पार्ट है और ये अल्कोहल का पार्ट है। तो एसिड क्या हो गया, दो कार्बन का इथेनोइक एसिड होता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, और दो कार्बन का अल्कोहल इज इथेनॉल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। अब आप देख लीजिए भाई ये दो कहां लिखे हैं, C2H5OH और इथेनोइक एसिड C में लिखे हैं, तो C इज द राइट आंसर। ये इतना आसान है बेटा, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। 39, which compound has a pH of less than 7 in an aqueous solution? Yeah, pH less than 7 का मतलब ये हुआ solution becomes acidic. Thus, it must be carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहां पर है, सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। सही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर दिया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इज करेक्ट, नायलॉन एंड टेरिलीन आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, गलत, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। नायलॉन एंड टेरिलीन बोथ कंटेन अमाइड लिंकेज, गलत, टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होता है। सिंपल शुगर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन, गलत, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की वजह से अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि स्टार्च में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ये बात आपको पता है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपके पास। सही है भाई, तो डी इज द राइट आंसर।